गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विषय कंप्यूटर, क्लास 10th वी और सब्जेक्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो अवयव हैं वो क्या हैं, हम आज बात करते हैं उनके बारे में। कोई कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न अवयवों से मिलकर बनता है, इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहले होता है बेटा सर्वर, दूसरा होता है बेटा नेटवर्क नोड, तीसरा होता है बेटा नेटवर्क केबल, चौथा होता है बेटा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा नेटवर्क कार्ड और छठा नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो आइए आज बात करते हैं हम सर्वर के बारे में। कंप्यूटरों के नेटवर्क में सर्वर केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिसमें नेटवर्क के सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। किसी भी नेटवर्क में सर्वर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से शक्तिशाली होता है। नेटवर्क के कंप्यूटरों का अधिकांश डाटा सर्वर में रखा जाता है, यानी जो कंप्यूटर के नेटवर्क जो होता है उसमें जो मुख्य कंप्यूटर जो होता है वो बेटा सर्वर कहलाता है। ये अन्य कंप्यूटरों से शक्तिशाली होता है। इसमें जो भी डाटा, अधिकांश जो डाटा रखा जाता है वो सर्वर में ही रखा जाता है। तो आइए आगे बात करते हैं नोड। नोड क्या है बेटा? किसी कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर के अतिरिक्त अन्य जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन्हें नोड कहा जाता है। इन नोडों पर उपयोगकर्ता यानी यूजर कार्य करते हैं। यानी मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, सर्वर के अलावा जो भी नेटवर्क में जुड़े होते हैं कंप्यूटर, सर्वर के अलावा जितने भी नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर होते हैं उनको हम नोड कहते हैं, और जो उन पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं बेटा। आइए बात करते हैं आगे नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल क्या है? जिन तारों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं उन्हें नेटवर्क केबल कहते हैं। यानी जिन तारों के द्वारा, जो भी तार आपस में इन कंप्यूटरों को जोड़ रहे हैं उसको क्या क्या नाम देंगे? नेटवर्क केबल। आइए बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में लोड किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से नेटवर्क के कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। यानी इसके बिना हम कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में उनको संबंध स्थापित नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं बेटा नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या है? नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर में लगाया जाता है। यह नेटवर्क केबल को कंप्यूटर से जोड़ता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल नेटवर्क द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का एक समूह है। नेटवर्क प्रोटोकॉल औपचारिक मानक और नीतियां हैं जो नियमों, प्रक्रियाओं और प्रारूपों से बनी होती हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर के मध्य संचार स्थापित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो में फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहें। धन्यवाद।